नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, गूगल क्रोम, आप लोगों ने सुना होगा। गूगल क्रोम बहुत ही फेमस ब्राउज़र है, सभी लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, हाल ही में इसको अपडेट किया गया है और कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि इसको जो है अपडेट कर लेना चाहिए ताकि आपके डेटा जो है आपका वो सुरक्षित रहे। और दोस्तों, ये अपने अपडेट जो है देता ही रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसने हाल फिलहाल में जो नए अपडेट दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं। और कुछ अपडेट्स तो ऐसे हैं जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, और वो करके दिखा दिया गया है। हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो में दोस्तों किस तरीके से ये अपडेट्स काम करते हैं। आपको चलना है गूगल क्रोम के ऊपर, और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा दोस्तों, सबसे पहला जो अपडेट है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अलग अलग प्रोफाइल के तहत काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रोफाइल बना रखी है, ये आप हमारी प्रोफाइल देख रहे हैं। हम दो अलग अलग लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं, आप गेस्ट मोड भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए, ये हमारी एक मेन आईडी से जो है यहाँ पर लॉगिन हो गया है। और ये मैं एक बार और आपको बता दूँ, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मेन आईडी से मैंने यहाँ ओपन किया, ये मेरी सेकेंडरी आईडी है। मैंने इससे क्लिक किया तो ये देखिए, मैंने इस आईडी पर जो जो सेट किया हुआ है वो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, और ये जो मेन आईडी है वो मेरी ये चल रही है। अब दोस्तों, ये आप कैसे जोड़ सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ये आईडी है। यहाँ पर आपने अदर प्रोफाइल में ऐड कर लिया है, आप गेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, गेस्ट लॉगिन भी यहाँ दिया है। अगर आप तीसरी आईडी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड पर जाएंगे। ऐड पर जाने के बाद जो है दोस्तों, आपको यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा। आप जिस आईडी से साइन इन करेंगे वही आपकी तीसरी आईडी जो है यहाँ पर शो होने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों, और भी जो अच्छी चीज़ें इसमें की गई हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ टैब ओपन किया, और टैब ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं कि वेबसाइट यहाँ ओपन कर लेते हैं। और वेबसाइट ओपन करने के बाद जो है दोस्तों, हम आपको बताते हैं, जैसे ही हमने वेबसाइट को ओपन कर लिया है, अब हमें करना क्या है कि मान लीजिए मैं काम कर रहा था, और काम करते करते मैं और भी वेबसाइट्स खोल लेता हूँ। काम करते करते जो है दोस्तों, हमने इस तरीके से जो है ये यहाँ पर हम एक बार इसको क्लिक करके और टैब्स ओपन कर रहे हैं, और ये जो हमने ओपन किया है, अब दोस्तों मान लीजिए आप काम कर रहे थे और काम करते करते ये एकदम से आपका टैब क्लोज़ हो गया गलती से, और आप इसको क्लोज़ नहीं करना चाहते थे। तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा दोस्तों, आप जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए, आपको ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए, आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा आ रहा है रीओपन क्लोज्ड टैब, जो आपने अभी अभी क्लोज किया है इसको रीओपन करना है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और देखिए दोबारा से वही पेज ओपन हो गया जो क्लोज हुआ था, जो हमने यहाँ से गलती से बंद कर दिया था। देखिए, मान लीजिए गलती से ये ऐसे हमने बंद कर दिया है, ये भी बंद कर दिया है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और रीओपन क्लोज टैब पर आप जैसे ही टैब करेंगे तो आपके वो सभी जो है टैब ओपन हो जाएंगे दोस्तों, जो एक बार में यहाँ से बंद हो गए थे। अगर दोस्तों यही आपको देखना है कि आपने रिसेंटली कौन से टैब ओपन किए थे, तो ये आपको यहाँ पर देखिए एक दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए इसका शॉर्टकट की है। ये ओपन टैब्स हैं, ये जो दोस्तों देखिए कितने सेकंड पहले अभी ये ओपन किए गए हैं। रिसेंटली जो क्लोज किए गए थे ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो रिसेंटली क्लोज किए गए हैं ये भी यहाँ पर आ जाते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं रिसेंटली क्लोज टैब, आप यहाँ से भी जो है टैप करके वहाँ पर जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, और भी जो काफ़ी चीज़ें इसने बनाई हैं, आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ सेम वेबसाइट के कुछ पेजेस को ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिए हैं। अब दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये जो तीन टैब हैं ये सेम वेबसाइट से हैं, हम इनको ग्रुपिंग करना चाहें, हम इनका ग्रुप बनाना चाहें, तो हम उस ग्रुप को कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। ये न्यू टैब टू द राइट, एड टैब टू रीडिंग, एड टैब टू न्यू ग्रुप, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप का हम यहाँ से नेम दे देते हैं, ये जैसे ही हमने यहाँ नेम दे दिया है, और अब जो है यहाँ पर ये क्लिक हो गया है। और यहाँ क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, ये इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद इस टैब को भी आप जो है इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो ये भी ऐड हो गया है, और मैं इसको भी यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड हो गया है। अब दोस्तों, हम देखिए जैसे ही यहाँ पर
ये एक नेम से हमने डमियम नेम से यहाँ पर इसको टैब बना दिया है। अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वह तीनों टैब जो है ओपन हो जाते हैं जो सेम वेबसाइट से थे, और मैं जैसे ही इस पर टैप करूंगा तो ये तीनों टैब जो है यहाँ से दोस्तों इजीली बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और देखने की मिलेंगी। मान लीजिए दोस्तों ये टैब है और ये टैब मैंने यहाँ से यहाँ इसको रन करा रहा हूँ। अब हम इसको पिनअप करना चाहते हैं और हमने इसको यहाँ से जो है पिन कर देना है। तो आप जैसे कि मान लीजिए ये टैब है, इसको मैंने पिन कर दिया है, तो पिन करने से क्या होगा दोस्तों, ये आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड में पिन हो जाएगा और आप बाकी सारे टैब्स को यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पिन किया हुआ है ये यहाँ से वहाँ नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए ये हमने पिन कर दिया है, आप यहीं से इसको अनपिन भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अनपिन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों और भी आप देख पा रहे होंगे ये रीलोड करने का, आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो ये देखिए सी का टैब आप डुप्लीकेट आपने यहाँ से बना लिया है। एंड आप मान लीजिए इस पेज को आपके मोबाइल फ़ोन पर सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। टैब को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी इस अपडेट में आया है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों शेयर दिस पेज, आप यहाँ क्लिक करेंगे आप कॉपी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, QR कोड भी बना सकते हैं इस पेज का। मान लीजिए हम हमारे इसका वेबसाइट का यहाँ पर क्लिक करते हैं और QR कोड हम, ये देखिए दोस्तों ये QR कोड रेडी हो गया है। अब इस QR कोड को आप कहीं भी लगा दीजिए तो आपको ये वेबसाइट जो है वहाँ पर ओपन हो जाएगी इस QR कोड की मदद से। और भी दोस्तों आप शेयर के ऑप्शन में देख सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, पेज को सेव कर सकते हैं। इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी जो है आप यहां से इस पेज को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शेयर का ऑप्शन आया है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और गूगल क्रोम अपने काफ़ी सारे अपडेट्स लाता ही रहता है। और दोस्तों जैसे ही अपडेट लेकर आता है हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं, और भी आप कैसे वीडियोस इन फ्यूचर हमारे चैनल पर चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।